उद्योग में बिजनेस कई तरीके का होता है, बहुत बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट पे लोग अलग अलग जो है वर्क करते हैं, लाइक डैट पेपर प्लेट बिजनेस, अगरबत्ती बिजनेस, कपूर बनाने का बिजनेस, चप्पल बनाने का बिजनेस, इस तरीके से बहुत सारा जो है लघु उद्योग का बिजनेस होता है। और देखिए लघु उद्योग जो बिजनेस होता है, जो छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया जाता है, बड़े पैमाने से स्टार्ट करने में बिजनेस में जितना कठिनाई नहीं होता है, उतना छोटे पैमाने में जो है स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। क्योंकि छोटे पैमाने में बिजनेस कीजिए, आपका पहला स्टार्टअप रहता है, इसमें आपका तो न तो कोई ब्रांड बन पाता है नया में, और न आपको सेल में कोई तरह का जो है सपोर्ट मिलता है। नए लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला जो है ये लघु उद्योग का बिजनेस होता है। चप्पल बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोग जो है कमेंट करने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है। आज देख लीजिए, चप्पल बिजनेस जो है बताया जाता है 5,000 से स्टार्ट कर लीजिए, 25,000 का महीना कमाइए, 4,000 से स्टार्ट कीजिए और 30,000 का महीना कमाइए, इस तरीके का जो है वीडियोज आपको देखने को मिलता है। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी जो है जानकारी देता हूँ, उसको जो है मैं अपने आधार पे अध्ययन करता हूँ, समझता हूँ, तभी जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। देखिए लोग दो टाइप के होते हैं, एक टाइप के लोग जो हुए जो किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए वो खुद का अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उन चीज़ों की जो है मार्केट में डिमांड क्या है उस डिमांड को समझते हैं, तभी जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। दूसरे लोग वे होते हैं कि अपना बिजनेस अगर उन्हें स्टार्ट करना होता है तो या तो वो किसी गांव के किसी लोग से जो है बात करते हैं, वो आइडिया देते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर किसी बिजनेस आइडिया को यूट्यूब पे देखें और 5,000 रुपया में 25,000 का महीना कमाए, इस चीज़ को देखें और स्टार्ट कर लिए। लेकिन सही तरीका क्या है? तो सही तरीके पहले वाला है, जो सही रूप से खुद से सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अपने आधार पे। अगर आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना है लाइक डेट, तो वो आपके अंदर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ का बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं बनाऊँगा, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी किस प्रकार से होगा, कैसा प्रोडक्ट मैं तैयार करूँ जो मार्केट में चल रहा है उससे मेरा अलग दिखे और आप मार्केट को ऑब्जर्व कर पाए। देखिए किसी भी बिजनेस का जो सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो होता है मार्केट की डिमांड पूरी करना। अगर मार्केट में जो चीज़ का मांग है, जिस डिज़ाइन जिस क्वालिटी का मांग है, अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आप जो है उसमें सफल होइएगा और आप एक सफल जो है उद्यमी बनिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं कि किसी मशीन वाले के कहने पर या किसी के कहने पर हम स्टार्ट कर लिए तो जो है सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको क्या स्टार्ट करना है इसके बारे में आप बढ़िया से रिसर्च करके स्टार्टअप कीजिए। तो हमारे बिहार में चप्पल बिजनेस से बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, इसको तो मैं बर्बाद ही बोलूँगा, क्योंकि जानकारी नहीं लिए, गलत मशीन गलत मटेरियल खरीदे और बर्बाद हो गए। तो आज की इस वीडियो में क्या चप्पल बिजनेस आपको करना चाहिए, करना चाहिए तो किस मशीन से स्टार्टअप करना चाहिए, और चप्पल बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना है, और किन लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि चप्पल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किन बातों को ध्यान रख के इसको स्टार्ट करना है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। देखिए कुल 5 पॉइंट के आधार पे मैं आपको आज बताऊंगा कि चप्पल बिजनेस किन लोगों को करना चाहिए और फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिमांड, इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर मार्केट में किस चप्पल का डिमांड ज़्यादा है और हमें बिजनेस करने से पहले डिमांड का पता कैसे करना है, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है मशीन, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा
कि देखिए चप्पल मशीन की ख़रीदारी तो कर लेते हैं, अगर बाद में वो बिजनेस नहीं चल पाता है, किसी वजह से फ्लॉप हो जाता है, चाहे वो मटेरियल की वजह से हो या फिर मार्केट में डिमांड की वजह से हो, तो उस मशीन का जो है क्या वर्क आएगा बाद में, कैसा मशीन हम ख़रीदेंगे जिससे अगर मेरा चप्पल का बिजनेस नहीं चले तो उससे जो है हम कोई दूसरा काम करके पैसा अर्न करें, इस चीज़ की जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल चप्पल बिजनेस में सबसे बड़ा स्कैम जो है रॉ मटेरियल में होता है, तो रॉ मटेरियल का मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर रॉ मटेरियल की सच्चाई क्या है, सही रॉ मटेरियल क्या है, गलत रॉ मटेरियल क्या है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है सेल या मार्केटिंग, इसे कह सकते हैं सेल्स या मार्केटिंग, यानी कि बेचने का सही तरीका क्या है, किस कारण से लोग चप्पल बिजनेस के मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है कि हाउ टू स्टार्ट चप्पल बिजनेस, यानी चप्पल बिजनेस को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको पाँचवें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिमांड, तो देखिए अगर चप्पल की बात की जाए डिमांड की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्लीपर मेकिंग, चाहे वो मैनुअल मशीन हो या फिर ऑटोमेटिक पावर प्रेस हो या फिर हाइड्रोलिक मशीन हो, कोई भी मशीन में आप केवल हवाई चप्पल ही बना पाइएगा, जो कि चाहे वो बच्चे के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो या फिर जेंट्स के लिए हो, केवल आप जो है उसमें हवाई चप्पल का ही निर्माण कर सकते हैं, उसमें जूता और सैंडल आप नहीं बना सकते हैं। तो मार्केट में आपको हवाई चप्पल का डिमांड देखना होगा कि वहाँ किस प्रकार का डिमांड है, हवाई चप्पल में किस किस क्वालिटी का सीट है, फीता है, और दुकान में क्या मांग है और कितना रुपया में मांग है, इस चीज़ का पता आपको जो है आपके अपने मार्केट से लगाना होगा, या फिर आप खुद अगर चप्पल परचेज करने जा रहे हैं तब आपको प्रतीत होगा कि आप किस प्रकार का जो है स्लीपर जो है परचेज कर रहे हैं और किस रेंज में है वो, उसी हिसाब से आपको डिमांड का पता करके उसी प्रकार का रॉ मटेरियल आपको परचेज करना होगा। तो ये तो डिमांड हो गया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है मशीन। देखिए इसमें मशीन किस प्रकार का लिया जाए, देखिए पहला प्रोसेस होता है कि जो कम पूंजी वाले लोग होते हैं वो मैनुअल मशीन को लेकर के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैनुअल मशीन में स्कैम चल रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे मशीन वाले अगर वीडियो देखेंगे तो हो सकता है मेरे वीडियो पे वो रिपोर्ट कर दे, लेकिन मैं तो सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो 5000 रुपया में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, मशीन वहाँ मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि फुल सेटअप अगर आप मशीन परचेज कीजिएगा मैनुअल मशीन, तो 20,000 से 30,000 रुपया का रेंज में खर्च हो जाता है। अगर मैनुअल मशीन कम से कम का मैं रेट बता रहा हूँ, तो मैनुअल मशीन से अगर स्टार्ट करना है तो यही 20,000 से 30,000 रुपया वाला मशीन लेकर आप स्टार्ट कीजिए। और देखिए जो लोग पावर प्रेस में जो पैसा, जैसे पावर प्रेस ले लिए 10 टन और 15 टन, मान लीजिए आपका चप्पल का बिजनेस नहीं चला, तो आप तो उसमें कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो आखिर हम कौन सा मशीन लें जिसमें हम चप्पल भी बनाएं और मेरा चप्पल का बिजनेस ना चलेगा तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। तब आप लीजिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन। अब ये मैं लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए इस मशीन का जो फीचर होता है कि इसमें आप पेपर प्लेट बना सकते हैं, रिंकल प्लेट बना सकते हैं, जो हार्ड प्लेट आता है जो बॉक्स सिस्टम में भोज भात में चलता है, जिसे हम बफर थाली बोलते हैं, वो आप बफर प्लेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन है ना कि हाँ एक चीज़ हमारा नहीं चल रहा है, उसके जगह हम दूसरे प्रोडक्ट को जो है ला करके और कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, हम अपने पूंजी को जो है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास केवल पावर प्रेस का चप्पल मशीन रहेगा, तो अगर मेरा चप्पल बिजनेस फ्लॉप कर रहा है तो क्या गारंटी है कि हम उसमें दूसरा चीज़ बना लें। तो इसीलिए जब भी मशीन परचेज करें तो हाइड्रोलिक वाला मशीन परचेज करें। अब ये हाइड्रोलिक मशीन बेस्ट क्वालिटी का अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप विजिट कर सकते हैं, कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर वीडियो स्क्रीन पे है, और यहाँ से आप जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा मशीन एंड मटेरियल। और चलिए तो आप लोग समझ गए कि या तो आप मैनुअल मशीन से स्टार्ट कीजिए या फिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन से। थर्ड है रॉ मटेरियल। देखिए चप्पल सीट कितना भी आप अच्छा वाला ख़रीद लीजिए, उसमें आपका जो है ब्रांड
से आप टक्कर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज मार्केट में इक्वालाइट चल रहा है, रिडैक्सो चल रहा है, लखानी चल रहा है। अगर आपका चप्पल अगर बनाइएगा ना तो वो चप्पल दो ही जगह बिकेगा, या तो आप बाइक पे, या फिर आप साइकिल पे, या फिर रोड के साइड में रेडी लगा के वहाँ जो बेच रहा है उसको दे सकते हैं। दुकान में आप खास इस चप्पल को नहीं दे सकते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा सीट लगा लें। तो इस बिजनेस की यही सच्चाई है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जिन लोगों को अपना श्रृंगार स्टोर है, या फिर वो गांव में घूम करके किसी भी तरीके का खिलौना या छोटा प्रोडक्ट बेचते हैं, या फिर रेडी लगा करके चप्पल का या जूता का काम करते हैं, वो लोग इस बिजनेस में आए उनके लिए सही है। जो लोग समझेंगे कि हम मैनुअल मशीन या फिर 2-4 लाख रुपया लगा करके छोटा सा सेटअप लगा लें और दुकान में चप्पल पहुंचा के हम कमा लेंगे, तो उनके लिए ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि ये सही नहीं है। जहाँ तक मेरा अध्ययन करके, जहाँ तक मैं लोगों से बात करके पता लगा पाया हूँ। अब बढ़ते हैं मटेरियल की तरफ। तो मटेरियल इसमें हर एक क्वालिटी और हर एक डिज़ाइन की आती है, इसमें यही सच्चाई है। लेकिन सेल की जो सच्चाई मैं बताया हूँ यही है। नो डाउट कि मटेरियल जो है डुप्लीकेट भी आती है, ओरिजिनल भी आती है, आपके पूंजी पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट हमारा है सेल या मार्केटिंग। तो देखिए मार्केटिंग करने के लिए जैसा कि मैं पिछले पॉइंट में बताया हूँ कि आपको रेडी लगाना होगा, या फिर घूम के बेचना होगा, या जो फेरी का काम करते हैं उनको ही आपको इसका जो बना हुआ प्रोडक्ट है देना पड़ेगा, तभी जो है आप इससे कुछ अर्न कर पाइएगा। अन्यथा आप मशीन वाला अगर कोई बोल रहा है कि दुकान में आपका सेल हो जाएगा, तो इसमें जो है सेल होगा 100 में से 10% ही सेल कर पाइएगा, उसके बाद आपका जो है प्रोडक्ट घर पे ही पड़ा रहेगा। तो ये सच्चाई है और मुझे सच्चाई ही बताना है बिजनेस में। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरा छोटा चैनल है और इस पे जो है लोग का डिमांड रहता है, जो सही जानकारी का वही मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, कि इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग के लिए ये या तो आप मैनुअल मशीन ले लीजिए, या फिर ऑल इन वन जैसा कि मैं बताया हूँ वो ले लीजिए, और उससे आप इस बिज़नेस को, जैसे अगर ऑल इन वन लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि चप्पल का मार्केटिंग क्या है, डिमांड क्या है, हम इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं या नहीं, इस चीज़ की पता चलेगा। अगर सफल हो गए तो ठीक है, फेल भी हो गए तो उसमें ऑप्शन है कि हम रिंकल प्लेट बना लेंगे, बफर प्लेट बना लेंगे, और ये सब तो हम मार्केट में सेल कर ही लेंगे, क्योंकि रिंकल प्लेट बफर प्लेट का डिमांड कितना है ये आप लोग भी जानते हैं। चप्पल में ब्रांड है रिलैक्सो, लखानी, बाटा, बहुत तरह का ब्रांड है, लेकिन पेपर प्लेट में कोई ब्रांड नहीं है। इसको अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही किसी को दे रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखेगा किस कंपनी का है, प्रोडक्ट सही होना चाहिए, वो बिकेगा ही बिकेगा। तो यही है चप्पल मशीन की सच्चाई। और इस तरीके का जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का जो है बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उन्हें जानकारी नहीं है, ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोगों को मैं इतना जो है अध्ययन करके सही जानकारी देता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सो एम करता हूँ इसमें आप 500 लाइक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।